नमस्कार, मैं शिवानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने आज बुधवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 1 जुलाई से महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के विधायक अख्तरुल ईमान को सभा के अल्पसंख्यक कल्याण समिति से निकाल बाहर कर दिया है। ईमान पर समिति की अध्ययन यात्रा के दौरान पार्टी का एजेंडा चलाने का आरोप लगा था। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने ताजा जारी ICC T20 बैटिंग रैंकिंग में 2 पायदान की छलांग लगाई है। सूर्य कुमार यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 अगस्त को खेले गए मैच में 76 रन ठोके और इसका फायदा उन्हें रैंकिंग में भी मिला है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में 500 से लेकर 5000 में मजर की सुपारी दी जाती है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बात की। CM ने मेरी बातों का संज्ञान लिया और कहा कि दिनेश बाबू को मैंने कह दिया है, आप बात कर लीजिए। केंद्रीय आयुष मंत्रालय की माने तो देश भर में वर्तमान राष्ट्रीय संस्थानों या केंद्रीय परिषदों की नई बिल्डिंग बनाने से लेकर मौजूद भवनों के आधुनिकीकरण कार्य को शामिल करते हुए लगभग 1955.45 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में 41 आयुष बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है। पान मसाला के थोक कारोबार के जुड़े मुजफ्फरपुर शहर के 3 व्यापारियों के ठिकानों पर बुधवार की सुबह से ही आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। शहर के पान मसाला कारोबारी ग्रीन केसरी राजेश अग्रवाल और प्रदीप कुमार शर्मा के ठिकाने पर ये रेड जारी है। बुधवार की सुबह ही आयकर की टीम छापेमारी के लिए पहुंची है। सोशल मीडिया में 5G मोबाइल टावर इंस्टॉल करने को लेकर कई मैसेज बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोगों को यह मैसेज भेजा जा रहा है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। इस लेटर में यह दावा किया जा रहा है कि अगर आप अपने घर में मोबाइल टावर लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5000 रुपये से लेकर 10000 रुपये तक का शुल्क जमा करना होगा। बिहार में पिछले 1 सप्ताह से लगातार हो रही बारिश ने हालात को और ख़राब कर दिया है। नदियां खतरे के निशान को पार कर गई, जिलों के गांवों में प्रवेश कर गई हैं। उफनती नदियां हैं कोसी, कमला बलान, गंडक, बागमती और महानंदा। मौसम विभाग ने पिछले 24 घंटों में उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में औसतन 50 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीक उर रहमान बर्क ने कहा कि तिरंगा फहराना अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई खुद से तिरंगा फहराना चाहे तो उसे आज़ादी है, केवल तिरंगा फहराना ही देशभक्ति नहीं है। VIP के प्रमुख मुकेश सहनी ने बयान दिया है कि BJP बिना सहारे के बिहार में नहीं जीत सकती। VIP भले ही आज NDA में नहीं है लेकिन हम नीतीश कुमार के साथ हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि लालू प्रसाद के विचारों के वे प्रशंसक रहे हैं। सहनी ने कहा कि उनकी पार्टी किसी जाति विशेष की नहीं बल्कि सभी जातियों की है। इस महीने के अंत में UAE में एशिया कप होने जा रहा है जिसका एशियन क्रिकेट काउंसिल ने शेड्यूल जारी कर दिया है। इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 27 अगस्त को खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान आपस में भिड़ने वाले हैं। इस 2 टीम के बीच का मुकाबला 28 अगस्त को खेला जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है और अब वह बिल्कुल स्वस्थ हो गए। नीतीश कुमार पिछले 26 जुलाई को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उन्हें 4 दिनों से बुखार था जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कोरोना टेस्ट कराई जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। 1987 बैच की भारतीय विदेश सेवा अफसरा रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। रुचिरा कंबोज अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि होंगी। रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी रिप्रेजेंटेटिव TS त्रिमूर्ति की जगह ली है। कोरोना वायरस से संक्रमित मामलों में एक बार दोबारा से इजाफा हुआ है। बीते 24 घंटे के अंदर देश भर में 17,135 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में एक बार दोबारा से नए मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर देशवासी अगले 25 वर्षों में देश के विकास के संकल्पों को पूरा करते हैं तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। अमित शाह ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान दुनिया के लिए एक संदेश है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक अगले 25 वर्षों तक एकजुट होकर काम करेगा। ट्विटर यूजर अशोक कुमार ने हाल ही में नई महिंद्रा SUV 700 खरीदी और फिर उन्होंने अपनी नई चमचमाती सफ़ेद SUV के बगल में खड़े होकर एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। पोस्ट में बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा को टैग करते हुए अशोक कुमार ने लिखा कि 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद नई महिंद्रा SUV 700 खरीदी, सर आपका आशीर्वाद चाहिए। बिग बुल के
नाम से मशहूर इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला की एयरलाइन आकाशा एयर ने अपनी कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है। कंपनी की पहली उड़ान 7 अगस्त से मुंबई से अहमदाबाद के बीच शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के 3 करोड़ परिवारों को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर संदेश देंगे। यह संदेश योगी की पार्टी के नाम से लोगों को पत्र के रूप में मिलेगा। मुख्यमंत्री का यह खास संदेश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर DP बदल दी है। साथ ही उन्होंने हर देशवासी से ऐसा ही करने को अपील किया है। इसके एक दिन बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट की DP बदल ली। इस तस्वीर में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हाथ में तिरंगा थामे दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे से बागी हुए विधायक उदय सामंत की कार पर हमले के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक शिवसेना की पुणे शहर इकाई के अध्यक्ष और 4 अन्य को गिरफ्तार किया गया है। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता का कहना है कि शिवसेना की शहर इकाई के अध्यक्ष संजय मोड़े सामंत की कार पर हमले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 5 लोगों में शामिल है मोड़े उद्धव ठाकरे का बेहद करीबी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 7 दिन तक स्थगित रहने के बाद बुधवार को फिर से बुलाए गए संसद के सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आर्थिक संकट से उबरने के हमारे प्रयासों के लिए हमारे निकटतम पड़ोसी देश भारत द्वारा मुहैया कराई गई मदद का विशेष रूप से जिक्र करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने हमें बेहद जरूरी मदद की है। बर्मिंघम में खेले जा रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का वेटलिफ्टिंग में अभी तक शानदार प्रदर्शन रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स के 5वें दिन भारत ने वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता। वेटलिफ्टर विकास ठाकुर ने पुरुषों के 96 किग्रा भार वर्ग में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया है। वेटलिफ्टिंग में भारत का यह 8वां मेडल है। चीन एवं दूसरे देशों द्वारा विकसित ऐसे 348 मोबाइल ऐप की पहचान की गई है और उन्हें प्रतिबंधित किया गया है जो उपयोगकर्ताओं की जानकारी एकत्र कर रहे थे और देश के बाहर स्थित सर्वरों को अनधिकृत तरीके से भेज रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में रोडमल नागर के प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों में उत्साह है और वह भोले बाबा के दर्शन के लिए हर कठिनाई को पार करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच 226 तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बुधवार सुबह भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हो गया। लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि साल 2014-15 यानी जब से मोदी सरकार देश में बनी है तब से देश में कुल कितने रेलवे एक्सीडेंट्स हुए हैं। इस पर बात करते हुए रेल मंत्री ने बताया कि 25 ऐसी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें 2 ट्रेनों की आपस में टक्कर हुई है। इसी के साथ रेलवे से जुड़ी आग लगने की घटनाओं की बात करें तो ऐसी 33 घटनाएं दर्ज की गई हैं। 15 अगस्त को देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर खास बनाने के लिए BJP ने दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकाली। हालांकि इस दौरान हेलमेट ना पहनने पर मनोज तिवारी ने ट्वीट किया, आज हेलमेट ना पहनने के लिए माफ़ी मांगता हूं, मैं चालान भरूंगा। आप सभी से निवेदन है कि बिना हेलमेट 2-पहिया वाहन न चलाएं, सावधानी से चलें, आपके परिवार और दोस्तों को आपकी ज़रूरत है। पाकिस्तान का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई में साल दर साल 24.9% बढ़ा है जबकि एक साल पहले इसी महीने में यह 8.4% था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने महत्वपूर्ण सप्लाई में कमी के कारण 2023 के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान महंगाई दर के उच्च स्तर पर रहने का अनुमान पहले ही लगा लिया था। अगर आप दक्षिण भारत घूमना चाहते हैं IRCTC आपके लिए शानदार पैकेज लेकर आया है जिसका किराया 53,970 रुपये प्रति व्यक्ति है जिसमें आप हैदराबाद, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, तंजावूर, कांचीपुरम, महाबलीपुरम और श्रीशैलम तक घुमाया जाएगा। आपकी यात्रा 12 रात और 13 दिनों की होने वाली है। अभी रियलिटी शो में कॉफी विद करण 7 काफी सुर्खियों में आ रहा है। करण जौहर ने कॉफी विद करण सीजन 7 के गिफ्ट हैम्पर को और भी लग्जरी बनाया है। इस बार करण ने पर्सनलाइज्ड रोस्टेड कॉफी बीन्स, चॉकलेट, ब्राउनी, कॉफी फ्रेंच पेस्ट और साथ ही अपना फेमस कॉफी विद करण मग भी गिफ्ट किया है। बसपा प्रमुख मायावती ने ऐलान किया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के खिलाफ अलग स्टैंड लेते हुए NDA उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान किया। उन्होंने साफ कर दिया है कि BSP NDA के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को वोट देगी। इसकी जानकारी मायावती ने ट्वीट कर दी है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है दीपक कुमार, बबलू दास, मोहम्मद नौशाद, पवन सिंह, प्रदीप कुमार, एस निशा, संतोष कुमार, पी कुमार, कृष्णा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई हर घर तिरंगा योजना आपको कैसी लगी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।